एक इंडो चाइनीज स्टार्टर रेसिपी है। ये हमें चाहिए, ये हमने मीडियम साइज का कैबेज को भी लिया है, ये दो तीन हमने गाजर लिए हैं, दो शिमला मिर्च लिए है छोटी साइज की, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। ये चार टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, चार टेबलस्पून मैदा है, सोया सॉस है, अजीनोमोटो MSG है, स्वादानुसार हमें नमक लगेगा, ये जिंजर पेस्ट है, ये गार्लिक पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हमें रेड चिली सॉस लगेगा और ये विनीगर है। आइए हम वेज मंचूरियन के बॉल्स बना लेते हैं, जिसके लिए पहले मैं कैबेज ले रही हूँ। ये गाजर है, और ये शिमला मिर्च है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों में नमक डाल के हमने 5 मिनट के लिए रखा था, अभी इस नमक के वजह से सब्जियों को पानी छूटा है, जो हम निचोड़ के निकाल लेंगे। ये कैसे निचोड़ना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से दोनों हाथ से अब इसे ये पानी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बॉल अच्छे नहीं बनेंगे। ये जो पानी है, ये हम ग्रेवी में या जब हम मंचूरियन का सॉस बनाएंगे तब हम यूज कर लेंगे। ये इस तरह से हमने सब्जियों को अच्छे से पानी से निचोड़ लिया है। ये हमने सब्जियों से पानी निकाल लिया है, अब हम इसमें ये मैदा 4 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर मैदा डालेंगे। ये 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, थोड़ा सा हम रेड चिली सॉस डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस डाला है, और एकदम 1/4 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला है। इसमें हम थोड़ा सा 1 पिंच MSG डालेंगे, और 1/2 टीस्पून में नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और इनके बॉल्स बनाने हैं। इस तरह से सब मिला के हमने डो बना लिया है। इस डो की कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, तो उसके लिए ये हम बाइंड करके देखेंगे कि अच्छे से बन रहा है क्या। तो इस तरह से ये बॉल अच्छे से बन रहा है, जैसे आपको चाहिए छोटे बड़े साइज का आप इसे बना सकते हो। ये मैंने अभी ऑयल गरम करने के लिए रखा है,
ये हमने छोटा पीस डाल के चेक कर लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम हमारे बॉल इसमें डालेंगे। बॉल्स को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये मैं डायरेक्टली बना के इसमें डालती हूँ, आप इसे बना के भी थोड़ा सा रख के भी डाल सकते हो। छः सात बॉल हम एट ए टाइम डालेंगे। हमें बॉल्स को गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा और कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। अभी कलर के लिए हम इसे थोड़ा गैस बढ़ा के फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये मैं अभी निकाल लेती हूँ, ये मैं टिश्यू पेपर पे इसे निकाल रही हूँ। और अभी मैं बचे हुए बॉल्स इसमें डालती हूँ। इस तरह से ये सभी बॉल हमने फ्राई करके लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी बॉल सभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इस कढ़ाई में ले लिया है, जिसमें हम ये गार्लिक है, ये 1 टीस्पून जिंजर है, इसे हम थोड़ा सा पहले फ्राई करके लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। अब हम ये इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और हरे प्याज का हरा पार्ट है, एक ग्रीन चिली है, जो सब हम इसमें पहले फ्राई करके लेंगे। गैस की फ्लेम बड़ी रखेंगे। अब हम ये 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ये एक कटोरी में मैंने थोड़ा पानी लिया है, जिसमें मैं अभी ये थोड़ा सा 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस,
थोड़ा सा आधा टीस्पून विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँ। ये 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो है और 1/2 टीस्पून नमक। जिसमें ये बॉल्स हम डालेंगे और ये 1 टीस्पून मुझे कॉर्नफ्लावर स्लरी इसमें डालनी है। जिससे कि ये हमारा सॉस जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। दो तीन मिनट हम सॉस में बॉल्स को पकने देंगे। इसमें हम थोड़े से ग्रीन ऑनियंस डालेंगे। इस तरह से ये हमारा ड्राई वाला वेज मंचूरियन बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे ड्राई मंचूरियन बनके तैयार हो चुके हैं।